हेलो स्टूडेंट्स, बेसल इक्वेशंस, बेसल फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज चैप्टर से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ये चीज प्रूव करेंगे हम। क्या दे रखा है ये? ये दे रखा है 4J0"। ट्रिपल डैश का मतलब है यहाँ थ्री थर्ड डिफ्रेंसिएशन। जे क्या है? यहाँ पर बेसल फंक्शन है। प्लस 3J0" यहाँ पर सिंगल डिफरेंशिएशन है। प्लस J3 = 0 हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं यहां पर पहले लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहली चीज हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी वो ये है कि J0 = होता है -J1। सबसे पहले इसकी जरूरत पड़ेगी। ये आपको याद भी रखना है, आप प्रूफ भी कर सकते हो। किससे प्रूफ कर सकते हो वो अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा आपको याद रखना है J-1x = -1n(jnx). इसको सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो J-1 = -1n(jn). ठीक हो गया। और किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? आपको यहां पर रिएक्टेंस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। क्या होते हैं रिएक्टेंस फॉर्मूले? तो XJn'(nJn) - XJn+1। ये तो पहला रिएक्टेंस फॉर्मूला है बेसल्स फंक्शन का। दूसरा है XJn (nJn) + XJn-1। ये दो रिएकरेंस फॉर्मूले हैं। इन्हीं के बेसिस पर, इन्हीं को कभी सॉल्व कभी माइनस करके हम कई और रिएकरेंस फॉर्मूले बना सकते हैं बेसल फंक्शन के। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे मिल जाएगा (2xJn') = XJn-1 - JN+1। ये x से x कैंसिल हो गया, 2JN'(JN-1 - JN+1)। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो एक और रेकरेंस फॉर्मूला आया है जिसको मैंने C नाम दे दिया है, इसका इस्तेमाल करके ही हम उस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। तो एक तो इसका इस्तेमाल होगा, एक इसका इस्तेमाल होगा और एक इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है। देखिए, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि इसमें थ्री डिफरेंशिएशन है, तीन बार डिफरेंशिएशन किया है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन यहां पर दिखाई दे रही है इसको भी 3 times आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी मैं ब्रैकेट में लगा लेता हूं ताकि आपको बाद में इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू किसको करना है? सी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या आएगा जरा देखें, 2JN"(JN-1)-JN+1)। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हो जाएगा 4JN"(2JN-1)-2JN+1)। अब आपको क्या करना है, ये जो चीज दिखाई दे रही है जिसको मैं बॉक्स में लिख रहा हूं, ये पहला और ये जो दूसरा, इसको रिप्लेस करना है। मतलब यहां पर इन दोनों की वैल्यूज को पुट करना है। अब इन दोनों की वैल्यूज हमें कहां से मिलेगी, इसकी और इसकी? वो यहां से मिलेगी। इसी में मैं आगे समझा दे रहा हूं। इसी में अगर मैं एन को रिप्लेस कर दूं (n+1) से और दूसरी बार n को रिप्लेस कर दूं (n-1) से, इन दोनों को करो, तो पहले जब ये काम करूंगा तो मुझे ये पूरी इक्वेशन कैसे मिलेगी? ये रहा n, इस n की जगह पहली बार तो आपको (n+1) रखना है, दूसरी बार (n-1). तो ये बन जाएगा 2JN+1(JN-JN+2) और दूसरी बार ये रखोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी (2JN-1)-JN-2)-JN। ये समझ में आ गया होगा। अब आपको इसकी वैल्यू मिल चुकी है और इसकी वैल्यू मिल चुकी है। अब इन दोनों की ये जो दो वैल्यूज हैं इसको मैं यहां पर पुट करता हूं इन दोनों की जगह, तो मुझे क्या मिलने वाला है जरा ये देखें। मुझे मिलने हैं JN-2 - JN
माइनस, और इस दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू को मैं ब्रैकेट में ही रख लेता हूं, जे एन माइनस जे एन प्लस टू, ये समझ में आ गया होगा। और फोर जे एन डबल डैश इक्वल टू ये जे एन माइनस टू जे एन प्लस जे एन प्लस टू, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे आपको एक चीज और पता लगेगी कि ये जो चीज है ये फर्स्ट पार्ट में मैं पिछले वीडियो में भी प्रूफ करा चुका था और यहां पर भी मैंने प्रूफ करा दिया। तो अगर मान लो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आया होता तो आपको इतना तो पहले करना ही करना पड़ता ना, इसलिए मैंने यहां तक करके दिखाया। अब मैं क्या करता हूं, मैं अगेन डिफ्रेंशिएट कर देता हूं इसको। तो उससे पहले टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, एट जे एन डबल डैश टू जे एन माइनस टू माइनस फोर जे एन प्लस टू जे एन प्लस टू हो गया। अब मैं डिफ्रेंसिएशन करता हूं तो ये हो जाएगा एट जे एन ट्रिपल डैश टू जे एन माइनस टू एन माइनस टू डैश फोर जे एन डैश प्लस टू जे एन प्लस टू डैश, ये डैश का मतलब है डिफ्रेंसिएशन। अब मुझे क्या करना है, इसको इसको और इसको यहां से रिप्लेस करना है। अब इन तीनों की वैल्यूज आप कहां से निकालोगे, तो जैसे मैंने ये समझाया था पूरा अभी आपको वैसे ही करना है। तो ये जो सी इक्वेशन है ना, इस सी इक्वेशन का इस्तेमाल हम फिर से करेंगे। सी इक्वेशन का इस्तेमाल हम करते हैं, जरा एक बार यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं। सी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, सी इक्वेशन को मैं फिर से लिखता हूं। सी इक्वेशन हमारे पास है टू जे एन डैश इज इक्वल टू, ये क्या है, जे एन माइनस वन माइनस जे एन प्लस वन, यही है ना हमारे पास सी, देख लेते हैं, बिल्कुल यही है। अब क्या करता हूं, सबसे पहले मैं एन को एन माइनस टू से रिप्लेस कर देता हूं, तभी मुझे ये मिलेगा। तो ऐसा करने पर क्या होगा, देखो जरा, टू जे एन माइनस टू डैश हो गया, यहां पुट करेंगे तो जे एन माइनस थ्री आ गया, और यहां पुट करूंगा तो ये जे एन माइनस वन आ गया। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला करते हैं, अब क्या करते हैं, हम एन की जगह पर एन प्लस टू पुट कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा टू जे एन प्लस टू डैश इज इक्वल टू जे एन प्लस वन माइनस जे एन प्लस थ्री। तो ये डी इक्वेशन मिल गई है, ये ई इक्वेशन मिल गई है, और नहीं डी ये रही ना, इसको डी, ये तो पहले से सी थी ना। अब जरा आप सी डी ई इक्वेशन को देखें, इन तीनों इक्वेशन में ये जो है आपके पास टू जे एन डैश वो यहां पर रिप्लेस हो जाएगा, और ये टू जे डैश एन माइनस वन टू ये यहां हो जाएगा, और टू जे डैश एन प्लस टू यहां से हो जाएगा। तो पुट करते हैं, देखिए हमारा आंसर आ जाएगा, कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा एट जे एन ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, पहले इसको रिप्लेस करते हैं, इसकी वैल्यू हमने कहां निकाली है, ये निकाली है जे एन माइनस थ्री माइनस जे एन माइनस वन, ठीक हो गया। माइनस इसमें से टू अलग कर लेते हैं, फोर दिखाई दे रहा है, इसमें से टू अलग कर लेते हैं, तो अंदर बचेगा टू जे एन डैश जिसकी वैल्यू ऊपर हमारे पास ये रही, ये पुट कर लेते हैं, तो जे एन माइनस वन माइनस जे एन प्लस वन हो गया। फिर है प्लस, अब इसकी वैल्यू हम यहां से ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा जे एन प्लस वन माइनस जे एन प्लस थ्री। इस तरीके से हमने तीनों की वैल्यूज पुट कर दी। अब सिंप्लीफाई करते हैं, एट जे एन ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, देखो जे एन माइनस वन एन माइनस थ्री तो एक ही बार है तो इसी को लिख लेते हैं एन माइनस थ्री। फिर क्या है, देखो ये है जे एन माइनस वन, यहां पर भी जे एन माइनस वन है, सिंप्लीफाई करोगे माइनस थ्री जे एन माइनस वन आएगा, ये है जे एन प्लस वन, और माइनस टू से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये टू जे एन प्लस वन, और ये है प्लस जे एन प्लस वन, और लास्ट में है माइनस जे एन प्लस थ्री। तो एट जे एन ट्रिपल डैश इक्वल हो जाता है जे एन माइनस थ्री माइनस थ्री जे एन माइनस वन प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री जे एन प्लस वन माइनस जे एन प्लस थ्री आ गया।
अब ये जो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आई है इसी का यूज करेंगे। थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंथी है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से हर चीज बता दी आपको। अब जो चीज हमें प्रूफ करनी है उसमें देखो यहाँ पर जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ थ्री है, तो ट्रिपल डैश वाले के साथ जीरो है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब तुम्हें एन की जगह क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। तो मैं एन की जगह जीरो पुट कर देता हूं, तो हमें मिलेगा 8J0" इज इक्वल टू, ये हो जाएगा J-3, ये हो जाएगा -3J-1, ये हो जाएगा 3J1 और ये हो जाएगा -J3। ठीक हो गया। अब यहां पर ये जो माइनस में आ रहे हैं J-3 और J-1, इन दोनों की वैल्यूज यहां पर हम रिप्लेस करते हैं। किससे रिप्लेस करेंगे, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था किन किन चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी। जरा ये देखो, इसको मैं एक बार यहां लिखता हूं, आपको दिखाता हूं। तो आपको बताया था कि J-1 इक्वल होता है -1 की पावर n J n, तो J-3 इक्वल होगा -1 की पावर 3 J3, तो J-3 इक्वल हो गया -1 J3। ये तो समझ में आ गया होगा। दूसरा फिर से लिखता हूं मैं, J-N इज इक्वल टू -1 की पावर n J n, इस बार n की जगह 1 लिखता हूं, तो ये J-1 इक्वल टू -1 की पावर 1 J1, तो J-1 इक्वल आ गया -J1। तो इसका मतलब है 8J0" इसको हटा देते हैं यहां से, तो इसकी जगह आ जाएगा -J3, और इसको भी हटाते हैं तो इसकी जगह आएगा +J1, तो पहले से माइनस है तो +3J1, +3J1 और -J3, तो 8J0" तो ये आ गया हमारे पास -2J3 +6J1। अब 2 से सबको काट दो तो 4J0" इक्वल आ गया -J3 +6J1। अब अगर हम हमारा आंसर देखें तो उसमें देखते हैं कि J0 तो आ रहा है, J3 और J1 आ रहा है क्या? तो देखो J3 और J1, J1 तो कहीं नहीं आ रहा है ना? तो इसका क्या मतलब है, मैंने एक और रिलेशन आपको समझाया था, ये वाला क्या है ये मैं लिख के दिखाता हूं यहां पर आपको। एक तीसरा रिलेशन मैंने आपको दिखाया था, J0 इक्वल होता है -J1, ये आप प्रूफ कर सकते हो रिकरेंस फॉर्मूले में n की वैल्यू 0 पुट करके। तो इसका मतलब है कि J1 इक्वल हो गया -J0, तो यहां पर तो मैंने ये 3 होगा, हाँ ध्यान रखना मैंने काट दिया था, तो 4J0" इक्वल टू -J3, तो -3J0 हो गया। इन दोनों को वहां पर लेके जाओ तो 4J0" +3J0 +J3 इज इक्वल टू 0। तो आप देखते हैं हमने ये प्रूफ कर लिया। तो जिन जिन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो मैं साथ ही साथ आपको समझाता जा रहा हूं, तो उसको याद भी करना है आपने। वो जरूरी नहीं कि इसी क्वेश्चन में यूज हो, बहुत सारे क्वेश्चन में वो यूज हो रहे हैं और वो प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे प्रूफ करोगे इन सभी चीजों को, यूजिंग रिकरेंस फॉर्मूला। तो किसी ना किसी वीडियो में मैंने प्रूफ करके दिखा रखा होगा, आप वो वहां पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सेकंड पार्ट यहां पर सॉल्व कर लिया है, थर्ड पार्ट को हम तीसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।